तो गाइस आज हम बनाएंगे टोमेटो राइस। तो सबसे पहले मैंने टोमेटो को, दो बड़े बड़े टोमेटो को चॉप कर लिया है और यहाँ पे मैंने राइस को धो के रख दिया है। ठीक है, हाँ, मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। इस पे अब हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल एंड देन मस्टर्ड। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, हम इसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने सरसों भी डाल दिया है इसमें। तो गाइस हम बिल्कुल ईजी वाला प्रोसीजर, मतलब इजी वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो मेरे पास कुछ ड्राई करी पत्ता था तो मैं उसको भी डाल देती हूँ। फिर हम ये दो ग्रीन चिली डालेंगे इसमें, इसको थोड़ा चला लेंगे। उसके बाद हम ये चॉप्ड टोमेटो डाल देंगे, इसको थोड़ा चला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड देन हल्दी। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से चला लेंगे ताकि हल्दी और सॉल्ट टोमेटो में मिक्स हो जाए और ये नरम हो जाए। तो मैं अच्छे से इसको मिला दी हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा टोमेटो सॉफ्ट भी हो गया है। सॉफ्ट होने के लिए हम इसका लीड कवर कर देंगे 2 से 5 मिनट के लिए। वेट 2 मिनट हो गई है, अब हम थोड़ा सा इसको चलाएँगे। तो टोमेटो हमारा बहुत सॉफ्ट हो गई है, लेकिन और भी थोड़ा सॉफ्ट होना बाकी है। तो हम इसको ऐसे करके मिला के सॉफ्ट कर लेंगे। हम ये धोया हुआ राइस डाल देंगे इसमें। सॉल्ट तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो अभी सॉल्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं। बाद में आप टेस्ट करके सॉल्ट लास्ट में डाल सकते हो, अगर कम ज़्यादा हुआ तो अब मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा सॉल्ट ट्राई कीजिएगा कम डालने का, क्योंकि बाद में आप डाल के मैनेज कर सकते हो लास्ट में। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर मुश्किल होगा, दूसरा कुछ अच्छा मेथड अप्लाई करना होगा। और वो मेथड जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करें। तो अच्छे से हमने मिला लिया है, अब हम इसमें 2 ग्लास वाटर डाल दें। चला लिया है इसको अच्छे से राइस को, तो 2-3 दाना हमारे यहाँ पे रह जाए। तो हम इसको भी पानी के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से इसको अच्छे से चला लेना है। उसके बाद आप लीड को बंद कर सकते हो लो फ्लेम में 10 मिनट्स के लिए आप छोड़ सकते हो। तो मैंने आँच लो नहीं, ये मीडियम है, मीडियम में मैंने रख दिया है और इसका वेट करूँगा अभी 10 मिनट्स तक। तब हमारा राइस पक जाएगा, तब मैं आपको दिखाती हूँ।